Good morning class, how are you? Fine, I hope all of you understand the online classes properly. Okay students, today we will start our new topic. It means our new chapter, chapter number is 14 and your chapter name is electric current and its effect. Students, सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है? उसके बाद उसके इफेक्ट्स आपको पता चल गया कि करंट के हमारे सराउंडिंग में हमारे पे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं. तो सबसे पहले बात किसके आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट की बात आ रही है कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होता है, किससे मिलके बना होता है. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही भी हम माइंड में सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले किस वर्ड का बात आता है, इलेक्ट्रिसिटी. किसकी बात आती है, इलेक्ट्रिसिटी. देयर इज अ वर्ड दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी. इट इज अ मैजिकल वर्ड. अब आप कहेंगे कि मैम आपने मैजिकल वर्ड क्यों बोला, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैजिकल वर्ड क्यों है. आप अगर अपने सराउंडिंग में देखिए, आपकी एक आपको सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो कि अगर मैं आपसे कहती हूँ बेटा फाइव आपको क्या देने हैं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे डिवाइसेस के नाम बताने जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करते, तो आपको सोचना पड़ता है कि ये मैम ने क्या पूछ लिया हमसे. तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हम मैजिकल वर्ड बोलते हैं, क्योंकि हम इसके क्या हो चुके हैं, जैसे हमें फूड नेसेसरी है, हमें वाटर नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए, तो उसी तरह हमारे लिए क्या जरूरी हो चुका है, अभी हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरी हो चुकी है. हमारा कुछ भी हो, इवन दो आप ये वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस के लिए जो फोन है वो भी किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है. चार्जिंग करते हैं आप उसकी, ठीक है. फैन होता है, एसी है, कूलर है, आपकी मोटर है, मतलब आपका इवन दो आपकी मोटरसाइकिल भी जो है, आपकी बाइक जिसको आप बोल रहे हैं, वो भी किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है. ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी आपको क्या है, एक तरह से मैजिकल वर्ड है. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी में भी काफी काफी टाइप्स होते हैं, कोई खुद बनाता है, कोई किसी का यूज करता है. तो इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं तो हम पहले थ्री कंपैरिजन लेते हैं. तो थ्री कंपैरिजन क्या है हमारे, हम सबसे पहले लेते हैं एक इलेक्ट्रिक एल, इलेक्ट्रिक एल लेते हैं हम. सेकंड क्या लेते हैं, ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग. एंड द थर्ड इज योर ए बल्ब ग्लो. स्टूडेंट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्री टर्म्स, फर्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक एल, सेकंड इज ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग एंड द थर्ड इज ए बल्ब ग्लो. बल्ब ग्लो में क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक एल की बात करते हैं. इलेक्ट्रिक एल इज नथिंग मोर देन ए फिश, इट इज ए टाइप ऑफ फिश. फिश मीन्स मछली जल की रानी है. तो इट मीन्स आपके इलेक्ट्रिक एल की एक फिश है जिसके अंदर खुद का क्या होता है, एक स्पार्क होता है. मतलब अपने बॉडी में वो क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. उस वजह से हमें क्या लगता है, शॉक फील होता है, करंट फील होता है, वो इलेक्ट्रिक एल है जिनकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है. फिर उसके बाद ये बोल्ट ऑफ लाइटनिंग है. ये बोल्ट ऑफ लाइटनिंग के केस में आपका क्या होता है, जैसे आपके आपके क्लाउड्स के अंदर लाइटनिंग होती है, मौसम खराब होता है आपका, तूफान आता है, उस टाइम पे आपकी लाइटनिंग भी होती है. लाइटनिंग के अंदर आपका किस वजह से होता है, यहाँ पे क्लाउड्स के अंदर क्या आते हैं, चार्ज आते हैं, चार्ज एक्वायर्ड हो जाता है, उस वजह से आपकी जो लाइटनिंग होती है. फिर उसके बाद थर्ड क्या कह रहे हैं, बल्ब ग्लो. ये बल्ब ग्लो में आपको पता है आपके जैसे सोर्स होते हैं, आपके पावर हाउस से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है, उसके बाद आपको क्या होता है, उसका यूज करके आपका बल्ब घर में क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है, उस वजह से आपको बोर्ड दिखाई दे पा रहा है, क्योंकि इस साइड आपका क्या है, बल्ब ग्लो कर रहा है. ओके, फिर उसके बाद अब हम आपसे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. जैसे आपने में पढ़ा है तीनों में क्या यूज होता है, चार्ज यूज होता है. क्या यूज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज यूज होता है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के हम यहां से स्टडी करना शुरू करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड नाम आप क्या बोल सकते हो, इसको आप इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोल सकते हो, आप इसको इलेक्ट्रिक. You can be said that electricity is nothing more than an electric charge. कि electricity आपका एक electric charge ही होता है. फिर उसके अंदर आपसे difference ये पूछता है students कि electric charge है. Electric charge के अंदर आपके two types होते हैं यहाँ पे, ठीक है. सबसे पहले electric charge की invention किसने की थी, Coulombs ने. एक scientist थे जिनका नाम क्या था आपका, Coulombs. उन्होंने आपकी क्या की थी, electric charge का invention किया था. इसको किससे indicate करते हैं हम, चार्ज को कैपिटल क्यू से हम इसको इंडिकेट करते हैं. और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है,
कूलॉम्ब, इसके साइंटिस्ट के नाम पे ही दी गई है। और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल सी। क्या होता है आपका, कैपिटल सी होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग मोर देन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में है, डेट डिपेंड्स द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो टू टाइप में हो सकता है, आप मैं इनको देख पा रहे हैं, मैं दो तरह से हो सकती हूँ। मैं बिल्कुल रेस्ट पोजिशन में खड़ी हूँ, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ। ओके, तो इसी तरह से आपका चार्ज भी क्या हो सकता है, टू पोजिशन पे, एक रेस्ट पे हो सकता है एंड द सेकेंड इज द मोशन। आपका चार्ज किस में होगा, मोशन में होगा। ओके, उसके बाद आपसे बात करता है इफ योर चार्ज इन रेस्ट। अगर आपका चार्ज रेस्ट में है तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको आप किससे प्रोनाउंस करेंगे, दैट इलेक्ट्रिसिटी साउंड्स एज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इफ योर चार्ज इन मोशन देन दैट इलेक्ट्रिसिटी साउंड एज द डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। Known as the dynamic electricity. ठीक है, there are two type of electricity. If charge in rest, then it is a static electricity. If charge in motion, then it is a dynamic electricity. Okay. उसके बाद आपको static के example पढ़ने हैं, आपको किसके पढ़ने हैं, dynamic के example पढ़ने हैं कि what is कि for example मैं जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपको science में आपकी जो surrounding है वही science है। ठीक है, और कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो उसके एग्जांपल्स जरूर पढ़िए, क्योंकि उससे आपकी डेली लाइफ रिलेटेड होती है। साइंस हमारी और कुछ नहीं है, हमारी डेली लाइफ है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, आपके ड्राई हेयर से, ड्राई हेयर्स में हम क्या करते हैं, कॉम्ब करते हैं, करते हैं ना कॉम्ब। कॉम्ब करने के बाद अगर वो हेयर गलती से कहाँ गिर जाता है आपका, सैंड में गिर जाता है, तो उस पर क्या होते हैं, सैंड पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उस टाइम पे क्या हुआ, जो हमारा कॉम्ब था जिसने हमें ड्राई हेयर्स में क्या करते हैं, हम उसको कॉम्ब करते हैं। ओके, फिर उसके बाद उस टाइम पे क्या होता है, वहां पे उस पे चार्ज एक्वायर हो जाता है, और वो चार्ज कैसा होता है, रेस्ट में होता है, और वो सैंड पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। ये तो एग्जांपल था स्टैटिक का। अब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किसका एग्जांपल, हमारा डायनेमिक का। किसका एग्जांपल, हमारा डायनेमिक का एग्जांपल है। वहां पे चार्ज क्या करता है, मोशन में होता है, आपको शॉक फील होता है। ओके, तो ये हो गए आपके दो टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं, जब से आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है, मोशन में होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। बट आपसे अगर एक बोलते हैं कि एक शॉर्ट वर्ड में आपको किसकी डेफिनेशन देनी है, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन दे दी, तो आप इलेक्ट्रिसिटी की क्या डेफिनेशन देंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग मोर देन एन एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी, आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, रिपीट कीजिए मेरे साथ, इलेक्ट्रिसिटी इज एन एनर्जी। That is produced by electric charge. क्या आपकी इलेक्ट्रिसिटी कुछ और नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या होती है, टाइप ऑफ एनर्जी होती है, जिसके वो किसके द्वारा बनाई जाती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्ज के हेल्प से उसको प्रोड्यूस किया जाता है, और उसी को आप क्या बोलते हैं, एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये हो गए इसके शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर आपके पास हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बाद, आपको यहां से बताया कि चार्ज, हमने बोला कि अगर रेस्ट में है तो स्टैटिक, मोशन में है तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। इसकी वजह से जो उसका एक फ्लो है जिसकी वजह से हमें शॉक लगता है, ठीक है, चैप्टर का हमारा नाम है इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, हम अपने टॉपिक पे आना है। तो उसके बाद हम बोलते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या है। अब ये आ गया ना आपकी डेफिनेशन। मैंने बोला था कि जो आपके घर में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, आप इस चैप्टर में जिसकी बात करते हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या है आपकी, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस आपका चार्ज कैसे है, मोशन में है। कैसे, आपका मोशन में है। तो यहां से आप इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या दोगे, बोलना मेरे साथ साथ, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज